हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी को किया वोट, क्या गिर सकती है सुक्खू सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। राज्यसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी सियासी जोड़ तोड़ में एक बार फिर अपने विरोधियों पर भारी पड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले 15 सीट पर राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजे कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं रहे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी यानी कि सपा को भी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर झटका लगा है। कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाले नतीजे हिमाचल प्रदेश से आए, जहां संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार को हार मिली है। इस हार के कारण हिमाचल प्रदेश से आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार पर खतरा भी मंडराने लगा है। मगर ये सब संभव कैसे हुआ कि जहां कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी, वहां भी बीजेपी आगे निकल गई। कैसे 15 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी 10 सीट जीतने में सफल रही, हिमाचल प्रदेश में कैसे पलटीबाजी, छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, 3 विधायक निर्दलीय हैं, यानी कि कुल 68 विधायक। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी थे और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हर्ष महाजन 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मंगलवार सुबह जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, तब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया के सामने आकर बोले थे, अगर कोई बिका नहीं तो 40 के 40 विधायक हमारे साथ हैं और जीत हमारी होगी। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह और वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह ने भी वोटिंग से पहले आकर क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं पर बात की थी। इन तीनों नेताओं के बयानों से टीवी चैनलों पर चल रही क्रॉस वोटिंग की खबरों को बल मिला। चुनाव के नतीजों ने क्रॉस वोटिंग की अटकलों को सही भी साबित किया। हिमाचल प्रदेश में जब 1 सीट पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस के 40 विधायकों में से 34 ने ही सिंघवी के पक्ष में वोट डाले। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को कुल 34 वोट मिले, यानी बीजेपी के 25 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायक और 6 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट डाले हैं। 25 विधायकों वाली बीजेपी हिमाचल में 34 वोट पाने में सफल रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों के पास 34-34 वोट थे। ऐसे में नतीजों का फैसला लॉटरी के जरिए हुआ। हिमाचल में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनके बारे में सिंघवी ने कहा कि ये लोग रात तक हमारे साथ बैठकर खाना खा रहे थे, सुबह 2 लोगों के साथ में नाश्ता भी किया। ऐसे में ये बताते हैं कि हम लोगों को चरित्र पहचानने के मामले में कितने खराब हैं। मंगलवार को दिन में सुक्खू ने दावा किया था कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस कांग्रेस के 6 विधायकों को ले गई है। हिमाचल में किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, ट्रिब्यूनल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनके नाम ये हैं: सुधीर शर्मा धर्मशाला, राजेंद्र राणा सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति, चैतन्य शर्मा गगरेट, देवेंद्र भुट्टो कुटलेहड़। हिमाचल सरकार पर संकट, राज्यसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस सरकार पर संकट मंडराने लगा है। बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राज्यसभा में बुधवार सुबह मिले हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार को 29 फरवरी को बजट पास करवाना है, इसी दिन सत्र का अंतिम दिन भी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले 2 दिन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है। हिमाचल सीएम सुक्खू से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बोले, हम विधानसभा सत्र में देखेंगे, अब तो सत्र चल रहा है। राज्यसभा में जो हुआ, जिन लोगों ने ये किया उनसे उनके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, हो सकता है कि इन लोगों की घर वापसी हो जाए। सिंघवी की हार के बाद कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी के शिव कुमार को ऑब्जर्वर बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से कहा है कि कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद से हटाया जाए। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की ओर से भेजे गए नेता विधायकों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वो किसी बाहरी उम्मीदवार को हिमाचल से उतारने से खफाते और वो की कार्यशैली को भी पसंद नहीं करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं,
एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।